यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये क्या होता है, और ये भी पता चल चुका है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। एनी डाउट टुडे? ये कौन सा, यानी कि दोनों में आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। जब a प्लस बी बोला जाए तो इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर अगर बोले तो इसका मतलब कि a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका जरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। क्या देखते बेटे, जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज कि विंग जो है वो इधर जा रही है, समझ रहे हैं ना, विंग या फिर रिवर का पानी वो इधर जा रहा है, क्लियर है। और एक बोट है या फिर एक एरोप्लेन है, सपोज करो कि ये बोट या फिर एरोप्लेन जो इधर जा रहा है, इधर कितने वेलोसिटी से, बी वेलोसिटी से, यही डबल समझ रहे हैं। और इधर कौन चल रहा है बेटे, विंड यानी वी ऑफ डब्ल्यू। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वी ऑफ वाटर यानी रिवर अगर है तो ये क्या है बेटे, वाटर इधर के लिए जा रही है, और उसमें बोट जो है वो इधर के लिए क्या कर रहा है, एक वेलोसिटी ले रहा है। ठीक है, आप खुद ही सोचो बेटे कि अगर बोट इधर चलना चाह रहा है वी वेलोसिटी से और वाटर इधर चल रहा है तो क्या ये बोट इधर जा पाएगा, पर थोड़ा सा इधर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि ये अगर अकेला अपनी वेलोसिटी से चलता है तो ये इधर जाता, बट ये चल किस पे रहा है, वाटर पे, और वाटर किधर जा रही है, इधर के लिए। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बोट की नेट वेलोसिटी होगा या नहीं होगा। आप सोचो ना बेटे कि बोट का इंजन बंद कर दिया जाए और बोट को यहां रख दिया जाए ऐसे, तो बोट किधर जाएगी, लेवल के साथ, इधर लेवल के साथ, इधर जाएगी या नहीं जाएगी। इसका मतलब बोट की एक वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी के बराबर है, वाटर की वेलोसिटी के बराबर। अगर ये प्लेन है उसका इंजन फेल हो जाए, ठीक है, और विंड इधर जा रही है तो बोट जो एरोप्लेन है उसको किधर लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा, और फिर कोशिश कर रहा है वो इंजन स्टार्ट करने की, अचानक इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन ने इधर के लिए भी वेलोसिटी दी सीधा, तो एरोप्लेन की एक वेलोसिटी सीधी है और एक वेलोसिटी विंड की डायरेक्शन में। इसी प्रकार से बोट की एक वेलोसिटी ये है, वाटर की वेलोसिटी ये है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बात, तो नेट वेलोसिटी किधर होंगे बेटे, तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इसका मतलब कि बी रिजल्टेंट ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, बी ऑफ एरोप्लेन प्लस बी ऑफ होगा या नहीं होगा। अगर एरोप्लेन और विंड का प्रॉब्लम ले, अगर मैं बोट का प्रॉब्लम लेता हूं तो बी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटे, बी ऑफ बोट प्लस बी ऑफ वॉटर, या फिर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। चल अब इसका डेरिवेशन, कोई एक डेरिवेशन कर देते हैं बेटे, ठीक है, चल देखते हैं जरा डेरिवेशन। मान लेते हैं कि ये रिवर है बेटे, इसके अंदर पानी है, इसका फ्लो इधर के लिए है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, कोई डाउट,
पक्का। अब ये एक बैंक है, ये अनदर बैंक, दो किनारे। अब बोथ को क्या करना है बेटे, आपको सेल करना है, क्लियर। तो आप किस तरीके से सोचते हो, सपोज करो जिसको फिजिक्स नहीं पता, जिसको फिजिक्स नहीं मालूम बेटे, वो क्या चाहेगा कि अगर मैं सीधा सीधा चलो तो यहां पर पहुंच जाऊंगा, होगा या नहीं, पक्का। चलो तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस डायरेक्शन में, कितनी है डी, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर कितना है डी है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट इसी डायरेक्शन में हुआ डी डी, बेटा तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, नेट ये हो जाएगा। देखो बेटे VV और VR दोनों क्या है एक दूसरे पे, इधर के लिए VV है और इधर के लिए क्या है बेटे आपका VR। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, लाइक किस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, दिस इज V, होगा या नहीं होगा। बोर्ड इधर की वेलोसिटी दे रहा है, रिवर इधर के लिए लेके जाना चाहता है, तो जो बोट होगा एक्चुअली में वो इधर के लिए जाना शुरू कर देगा, करेगा या नहीं करेगा। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए बेटे आपको कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो ही वेक्टर हैं आपके पास और दोनों क्या है बेटे परपेंडिकुलर है या नहीं है, पक्का। आप कंपोनेंट लेकर के क्या करते थे, सबको एक्सिस पे डिवाइड करते थे, यहां पे सबके सब एक्सिस पे ही है, दो ही है और दोनों एक्सिस पे, हाँ एक एक्स एक्सिस पे है और दूसरा वाई एक्सिस पे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स में कौन है बेटे वी आर, ये हो गया आपका वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, फिर से समझो पक्का है। चलो अब अगर ये रिजल्टेंट है बेटे, यानी कि नेट वेलोसिटी बोर्ड की ये है या नहीं है, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट ऐसे वाला लूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बीबी के बराबर, और इस वेलोसिटी का इधर के लिए कंपोनेंट लूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वीआर के बराबर। इन्हीं दोनों से रिजल्टेंट ये बन रहा है, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे बेटे तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा BB, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा VR। फिर से समझाओ, फिर से समझो, सपोज करो बेटे कि अगर मैंने ये 10 न्यूटन और ये 20 न्यूटन इसका रिजल्टेंट निकाला, क्लियर। सपोज करते हैं कि इधर के लिए आया ये 25 न्यूटन, ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, ये 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो ऑब्वियसली व्हेन वी ब्रेक दिस 25 न्यूटन, then its component in this direction will be 10 न्यूटन और component in this direction will be 20 न्यूटन, यही तो होगा, क्लियर है। चलो अब हमें पूछा जा रहा है टाइम, to cross the river, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि इस बैंक से इस बैंक तक आने में कितना टाइम लगेगा, कोई डाउट। सोचो बेटे इस बैंक से इस बैंक तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है ना, और इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा या ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, रिजल्टेंट बेटे इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट कवर अप करनी है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करने के लिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए या इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्लियर है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इसका मतलब ये हुआ विड्थ ऑफ रिवर यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग वे, समझ में आया या नहीं आया,
डिस्प्लेसमेंट अबाउट वेलोसिटी, क्योंकि अभी तक हम मोशन इन वन डी पढ़ रहे थे, एक ही डायरेक्शन, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं आप, टू डी, यानी दो डायरेक्शन का मोशन चलता है। सोचो बेटे डिस्प्लेसमेंट मुझे वाई एक्सिस पे करना है, तो वेलोसिटी कौन सा लेंगे हम, वाई एक्सिस वाला। डिस्प्लेसमेंट मुझे एक्स एक्सिस वाला चाहिए, तो वेलोसिटी उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, एक्स एक्सिस वाला। तो यही है बेटे, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर दैट इज विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय विड्थ के अलोंग वेलोसिटी, तो इसके अलोंग वेलोसिटी कौन सी है, बी बी है या नहीं है, तो दैट इज बी डिवाइडेड बाय, समझ में आ रही बात, क्लियर है या नहीं है, क्लियर फोर्स तो है ही बेटे आपका, वेलोसिटी वेलोसिटी हाँ उसको तो कंसीडरेशन में नहीं, कंसीडरेशन में लिए ना बेटे, ये इधर के लिए जा रहा है, सोच ये अगर ये ऐसे ही गया, ये 20 मीटर तो ऐसे जाने में क्या ऐसे भी 20 मीटर कवर अप किया है क्या, नहीं, कितना कवर अप किया है, कम, इसका कंपोनेंट ना, वही तो ले रहा हूँ इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, याद कीजिए कंपोनेंट का क्या फंडा बताया था मैंने, कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो 2 सेकेंड के बाद ये यहाँ पर कितने के सामने, जैसे ही तो बताया दैट इज कंपोनेंट का नाम दिस एक्सिस, ये यहाँ पे पहुंच गया है तो y एक्सिस पे किसके सामने है, तो अगर ये यहां से यहां तक आया है तो x ने इतना डिस्टेंस कवर अप किया और y ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, इतना, समझ में आ रही बात, अगर ये यहां पहुंच गया है तो x ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, d, इतना, और y ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, d, इतना, समझ में आ रही बात पक्का, सोचो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेंगे ना हम, तो इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट तो पता है ना मुझे कि इसी दोनों से मिलके ये बना है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये और ये तो आएगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, बी बी, तो बी अपॉन, क्लियर, तो ये टोटल टाइम आ गया सर, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें तो पता है ना वो ऐसे डायगोनली जा रहा है, हमें तो पता है कि ऐसे सीधा नहीं जा रहा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है बट ये नहीं समझ रहा, ये वेलोसिटी भी तो ज्यादा है, हाँ अच्छा तो सेम टाइम हो जाएगा, ये देखिए ये है आपका v, इसका अगर मैं ये एंगल लेता हूं सपोज ये एंगल थीटा लेता हूं तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, b cos theta, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, sin theta, sin theta, समझ में आ रही बात, अब यहां से यहां तक जाने के लिए b sin theta रिस्पांसिबल होगा या b cos theta रिस्पांसिबल होगा, b sin theta, sin theta, तो फिर b / b की जगह पे लिख सकते हैं d / b cos, समझ में आ रहा है या नहीं, sin theta, सॉरी फिर यहां से लेकर के यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये x क्या है, x, x, तो डिस्प्लेसमेंट कवर अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर अप किया, क्योंकि ये सीधा सीधा तो यहां नहीं पहुंच पाया था ना, तो जब तक ये दूसरे बैंक तक पहुंच गया है तब तक ये बेचारा यहां से क्या हुआ इधर शिफ्ट हो गया है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वी आर वी रिस्पॉन्सिबल, बेटे इधर के लिए डिस्प्लेसमेंट लेना है उसके लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल, वी आर जो वी कॉस, वी कॉस, और v cos थीटा किसके बराबर है, vr के बराबर, समझ में आने का, ये हो जाएगा मेरे v cos थीटा into टाइम, यही ना,
तो टाइम सोच बेटे, इसको यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम में ये यहां से यहां तक आ रहा है, और उतना ही टाइम में ये यहां से यहां आ रहा है, आ रहा है या नहीं? यानी सोच बेटे, यहां पर भी जूम कर, जैसे यहां से यहां तक 10 सेकंड में आया था, तो मैं जो बोलता था कि ये अगर यहां पहुंच गया है तो एक्स डायरेक्शन में ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया और वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, तो ये वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम क्या होगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड ही तो होगा, 10 सेकंड में ये इसके सामने है और 10 सेकंड में ही ये इसके सामने है, तो ये भी कितना होगा? 10 सेकंड ही होगा ना। तो इसको यहां से यहां तक कवर अप करने के लिए टाइम निकाल लिया ना बेटे मैंने, निकाला या नहीं? तो यहां पर v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ ट्रेवल होगा या नहीं होगा? टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है? d/v sin थीटा। समझ में आ रही बात? और v sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? vdv लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा बेटे? v cos थीटा इनटू d डिवाइडेड बाय v। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? v cos थीटा क्लियर है? इस v से इस v को काट दे, cos थीटा कितना बच गया बेटे? सही, cot। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ बेटे, क्लियर है? निकालने की भी कोशिश करो बेटे। देख ये डिस्प्लेसमेंट है, ट्रिगो भी लगा सकते हो बेटे, ये यहां से यहां तक कितना है? d। ये कितना है? थीटा। थीटा ये निकालना है, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? हाँ। अरे यही ट्राइंगल बनेगा ना बेटे? हाँ। तो ये आपका परपेंडिकुलर पता है और आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। आप सिंपल वे में भी सोचो कि tan of theta that is equal to क्या बेटे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही ना? हाँ। परपेंडिकुलर है कितना बेटे? d, और बेस 20 डिग्री। तो बेस की जगह पे क्या लिखेंगे बेटे? बेस इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय tan theta। कितना हो गया बेटे? b cot theta। समझ में आ रहा है? तो आप ट्रिगो से भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी जो नॉर्मल आप मोशन इन 1D जानते हो वहां से भी हम अप्लाई। कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। Now is, see here बेटे, इसको रब करो, क्या दिख रहा है मुझे? कि अगर ये रिवर है और इसकी विड्थ क्या है? ये है d, तो बोट की एक वेलोसिटी हो सकती है और एक रिवर की वेलोसिटी हो सकती है, और रिवर की वेलोसिटी फिक्स है बेटे कि वो इधर जाएगी, तो इस डायरेक्शन में सोच बेटे, अगर इसे मैं x एक्सिस मान लेता हूं तो ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा? y एक्सिस होगा या नहीं? तो vr का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस वो कितना हो जाएगा? जीरो। दैट मींस कि रिवर की वेलोसिटी कभी भी बोट को विड्थ को कवर अप करने में हेल्प नहीं करेगा और न ही अपोज करेगा। अगर रिवर की वेलोसिटी ऐसी होती है तो इसका एक कंपोनेंट यहां पर आता और इस कारण से विड्थ कवर अप होता। समझ में आ रहा है? अगर रिवर की वेलोसिटी ऐसे नहीं होकर के ऐसे होती, वीआर किधर होता? इधर होता, तो उसका एक कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता और वो इस विड्थ को कवर अप करने से क्या करता? बोट को रोकता। बट बोट रिवर की वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में बेटे? इस डायरेक्शन में, यानी विड्थ के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना? तो वी आर डोंट हैव एनी कंपोनेंट अलोंग विड्थ, है या नहीं है बेटे? इस वी आर का कोई भी कंपोनेंट विड्थ की डायरेक्शन में नहीं है। सो द वेलोसिटी ऑफ बोट क्या बेटे?
is only responsible for crossing the river or bridge. होगा या नहीं होगा? River की velocity जिस direction में है, इसका कोई भी component बेटे width की direction में नहीं है. Clear? तो बेचारा boat ही क्या कर सकता है? जिधर भी velocity देगा, river बोट की ही वेलोसिटी क्या कर सकती है, इसे विड्थ को क्रॉस करवा सकती है या नहीं. सपोज करते हैं कि बोट इधर के लिए चला या फिर बोट इधर के लिए चला, रिजल्टेंट नहीं बोल रहा हूं, बोट की अपनी वेलोसिटी. तो बेटे अगर बोट इधर जाता और ये एंगल थीटा होता तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होता? वी बी होता या नहीं होता? अगर यह ऐसे जाता तो बीबी का ये मान ले कि अल्फा है, तो बीबी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता? बीबी कॉस अल्फा. होता या नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करने के लिए जो टाइम निकालते हैं हम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता? डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ. नहीं आ रहा समझ में? अभी जस्ट आपको क्लियरिफाई किया कि डिस्प्लेसमेंट मुझे इधर लेना है तो इधर की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, इधर के लिए कितनी वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी. देखो बेटे वी आर भी था. सर आप सिर्फ एक कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हो ना? हाँ बेटे, सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहे हो बेटे, विड्थ किस एक्सिस पे? हाँ ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी इधर वाला चाहिए क्या इसको कवर अप करने के लिए? नहीं. इधर वाला चाहिए क्या वेलोसिटी कवर अप करने के लिए? मुझे किधर की वेलोसिटी चाहिए इसको कवर अप करने के लिए? इधर के लिए. तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटे? डी डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा. हो गया या नहीं होगा? फिर से समझा. आप एक बात बताओ बेटे कि अगर वीबी की वैल्यू 10 है तो VB cos थीटा जो होगा वो 10 से छोटा होगा या बड़ा होगा? हाँ छोटा. बेटे अगर मेरी बॉडी को ब्रेक किया जाए छोटा, बॉडी भी बड़ा होगा. कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट उसका एक पार्ट ले रहा है बेटा, तो छोटा ही होगा नहीं? तो T इक्वल टू D डिवाइडेड बाय V cos थीटा है. ये D भी फिक्स है और वी भी फिक्स है, यानी कि बोट किस स्पीड से चल सकता है, यानी उसको इंजन कितने स्पीड दे सकता है, ये भी फिक्स है और डी भी फिक्स है. तो टी मिनिमम कब होगा बेटे? कॉस थीटा हो. जब कॉस थीटा क्या हो? मैक्सिमम हो. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी डी डिवाइडेड बाय वी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या फिर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो यानी इसके डिवाइडर में दिया जाएगा. समझ में आ रहा है? यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए? जीरो डिग्री. समझ में आ रही है? यानी कि बोर्ड क्या करे, इसी डायरेक्शन में खुद को सेल करे. समझ में आ रही बात? यानी इधर या फिर इधर, इधर इधर अगर ऐसे चल रहा है बोट तो उसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. अगर बोट इसी डायरेक्शन में ले ले अपनी वेलोसिटी को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है ना बेटे डी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट का जो कंपोनेंट होगा वो पूरा का पूरा किस चीज के लिए यूज होगा? विड्थ को कवर अप करने के लिए. अगर किसी एंगल पे है तो वेलोसिटी ऑफ बोट की एक पार्ट क्या हो रही है? यूज हो रही है विड्थ को कवर अप करने के लिए. समझ में आ रही बात? तो अगर बोट विड्थ के अलोंग ही चलना शुरू कर दे तो टाइम क्या लगेगा बेटे? मिनिमम लगेगा. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टू कवर द विड्थ इज मैक्सिमम हियर. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो अभी जो मैंने सारा डेरिवेशन करवाया है उस किसके लिए करवाया बेटे?
बोट को कैसे भेजा था हमने, ऐसे भेजा था ना, बोट की वेलोसिटी ऐसे रखी थी ना। इसका मतलब ये पूरी डेरिवेशन किसके लिए थी बेटे, कि व्हेन बोट क्रॉसेस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, किसमें बेटे, शॉर्टेस्ट टाइम। समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि हमने बोट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रखी है, विड्थ की डायरेक्शन में रखी है। क्लियर? अगर मैं किसी एंगल पे रखता तो उस केस में इसको क्रॉस करने में जो यूज होगा वेलोसिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट। समझ में आ रही बात? ऑब्वियसली पार्ट विल बी लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ बोट, सो टाइम विल बी मोर। समझ में आया है नहीं आया? दैट्स द कांसेप्ट। लिख लीजिए बेटे ये जो पॉइंट मैंने बताया है आप। ये देखो आप आगे क्या है बेटे, कि अभी हमने क्या पढ़ा कि आपको ये रिवर था, ये एक पॉइंट है और इसका अपोजिट पॉइंट ये है, ठीक है, यहां पे बोट है। बोट वाला चाह रहा है पॉइंट ए से बी तक पहुंच जाऊं, उसे फिजिक्स नहीं मालूम थी, तो उसने क्या किया, इधर के लिए अपने आप को सेल करना शुरू किया। समझ में आ रही बात? किस वेलोसिटी से, बीबी से। उसे लगा था कि वो यहां पहुंच जाएगा, बट रिवर क्या कर रहा है, उसे इधर के लिए एक वेलोसिटी ऐड कर रहा है। तो अब दो दो वेलोसिटी इस बोट पे लगी, एक इंजन के कारण इसे कितनी मिल रही है, बीबी, और एक रिवर के कारण कितनी मिल रही है, वीआर। समझ में आ रही बात? तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी बेटे, VV का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन जो होगा बेटे इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच में हो जाएगा, है ना। ये बेचारा कहां पहुंच गया था, यहां पे पहुंच गया था। कोई डाउट है पक्का? यहां से यहां तक का जो टाइम था वो कितना था बेटे, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट डी, और यहां से यहां तक यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, VB। समझ में आ रही बात? इतने ही टाइम तक क्या हो रहा है, रिवर इस बोट को आगे भी लेके जा रहा है, और ये बेचारा यहां नहीं पहुंच करके कहां पहुंचा था, यहां पे पहुंचा था ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था इसका, VR into V। समझ में आ रही बात? यहां पे T कितना है बेटे, V by VB, यही है ना। ये बोट कितनी देर तक पानी में था, इतनी देर तक, हाँ, इतनी देर तक रिवर क्या कर रहा है, इसको आगे लेके जा रहा है, तो ये यहां से यहां पहुंच गया। क्लियर है? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी आर इंटू टी। अब मेरा कहना ये है, अच्छा इस केस में क्या हुआ था, ये जो टाइम लग रहा है बेटे ये मिनिमम है ना, क्यों, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करने के लिए जो वेलोसिटी यूज होंगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट, ये पूरा का पूरा ही क्या हो रहा है, इसको कवर अप करने के लिए यूज हो रहा है, यानी वीबी इसी डायरेक्शन में, शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये जो टाइम लगेगा दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम, ये हमने पढ़ लिया। कोई डाउट? अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो कि इस बोट को यहां से कोई सामान परचेस लेके आना है सबसे कम टाइम में। समझ में आ रही बात? सबसे कम टाइम में वो फिजिक्स जानता भी है सपोज, तो वो सेल करेगा ऐसे कि हम दूसरे बैंक पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए, लेकिन वो पूरी तरह से फिजिक्स नहीं जानता, तो बेचारा टाइम तो सबसे कम लिया यहां से यहां तक जाने में, बट वो यहां नहीं पहुंच करके कहां पहुंचा, यहां पर। अब उसे क्या करना पड़ेगा, इसको खींच करके यहां तक लाना पड़ेगा बोट को, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में सेल करके यहां तक बोट को लाना पड़ेगा। फिर से टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो सोच रहा था 10 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, पता चला 10 सेकंड में दूसरे बैंक पे तो पहुंच गया, बट इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा, कहां पहुंचा, यहां पे। फिर यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम और लग गया, तो उसने अपने रिजल्ट को यूज किया बेटे, यानी ये जो चीज देखा उसने उसके बारे में सोचा क्या, कि अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मेरी नेट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहां पे क्यों पहुंचा था, क्योंकि मेरी नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। समझ में आया या नहीं आया? तो क्या वो रिवर की वेलोसिटी को बदल सकता है क्या,
नहीं वीवर तो अपनी डायरेक्शन में चलेगा, वो क्या चीज बदल सकता है अपने डायरेक्शन, समझ में आ रही बात? तो अगर मान लो अगर वो ऐसा चलता बेटे, ये होता बीवी, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? ऐसे होता है और दूर चला जाता होता है, समझ में आ रहा है नहीं? तो वो क्या करेगा बेटे? इस डायरेक्शन में सही करेगा अपने आप, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बीवी और ये क्या बेटे? वीआर। और ये आपका क्या है बेटे? वी। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझाऊं? हाँ बेटे, अब समझा रहे हैं कि नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? ये चीज तो देख, अगर मैं बैंक के साथ इसके साथ थीटा एंगल लेता हूं, कितना एंगल लेता हूं? थीटा एंगल, क्योंकि इतना तो पता चल गया ना कि हम इस कोऑर्डिनेट में नहीं रख सकते वेलोसिटी को, रखना होगा इस कोऑर्डिनेट में, समझ में आ रही बात? तो वी आर के अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि माइनस वी आर के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो इस वीबी का दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा? ये हो जाएगा वीबी कॉस थीटा, क्लियर? और वीबी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वीबी, क्लियर? खुद ही सोचो बेटे कि नेट वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आप क्या मानोगे जनरली? वाई। और इसे क्या मानोगे? एक्स। यही मानोगे ना? पिछली क्लास याद कर बेटे, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें वाई नेट की वैल्यू कितनी आ गई थी? जीरो आ गई और एक्स नेट की कोई वैल्यू थी, तो रिजल्टेंट भी किसके डायरेक्शन में था? एक्स नेट की डायरेक्शन में। तो मेरा डायरेक्शन कौन सा है? वी नेट का डायरेक्शन और वी वाई का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब वी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर से समझो पक्का? तो बोर्ड, अच्छा, टू क्रॉस परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है ना? यानी कैसे क्रॉस करे बेटे? परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है, यानी नाक के सामने, यानी कि वी बी कॉस थीटा और वी आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बहुत अच्छे, समझ में आ रही बात? तो इस केस में टू क्रॉस बोट, बोट सुड शेप थीटा एंगल माइनस वी आर वेक्टर, समझ में आ रहा है ना? ये वी आर वेक्टर है तो माइनस वी आर वेक्टर ये होगा, तो उसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर है? सो दैट वन कंपोनेंट, आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते, वन कंपोनेंट ऑफ वीबी कैंसिल वीआर, इतना तो समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों गया था? क्योंकि वीवर इसे बाहर के लेके जा रहा है, और पहले वाले केस में बोट ऐसे चल रहा था तो उसका कोई भी कंपोनेंट वीआर को अपोज नहीं कर पा रहा था। अब वीवी अगर ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसे है, तो वीआर अगर उसे 10 मीटर आगे लेके जाना चाह रहा है तो वीवी क्या करे? 10 मीटर इधर आ जाए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, समझ में आ रही बात? वैसे भी नेट निकालने का तरीका क्या है जरा सोचो, नेट कैसे निकालते हैं? वी एक्स आई स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू, यही होता था ना? यहां पर वी एक्स नेट कितना होगा बोर्ड का? दैट इज वी आर माइनस वीवी कॉस थीटा, होगा या नहीं होगा? और वी वाई नेट क्या होगा बेटे? साइन ऑफ थीटा, यही ना? पक्का? क्या बोला गया है कि नेट वेलोसिटी जो है वो वी आर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का, बिल्कुल फॉर्मूला। ये तो मैंने थ्योरी वाइज समझाया बेटे, न्यूमेरिकल वाइज यानी मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। तो हमने क्या सोचा कि टेन ऑफ थीटा, याद कीजिए बेटे,
थीटा की जगह पे अल्फा, टेन ऑफ अल्फा, ये था बेटे वी वाई बाय वी एक्स, यही था ना। हाँ, याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है। तो अल्फा कितना है नेट वेलोसिटी वी आर के साथ, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90। नहीं याद है क्या बेटे? तुझे तो नहीं आया समझ में? आ गया बेटे, ये नेट वेलोसिटी है, ये वी वन है, ये वी टू है, और नेट वेलोसिटी ये है। तो नेट वेलोसिटी जितना एंगल बनाता है, दैट इज टेन ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, जहां पर ये अल्फा किसके साथ एंगल है? एक्स के साथ। समझ में आ रही बात? अगर ये उल्टा होता वी एक्स अपॉन वी वाई होता है, इसका मतलब ये अल्फा किसके साथ एंगल है? वाई के साथ। समझ में आ रही बात? चल देखिए, तो वी वाई की जगह पे कितना है? वी वी साइन थीटा है या नहीं है? डिवाइडेड बाई वी एक्स कितना है बेटे? वी आर माइनस वी वी। क्लियर? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90। जब सुन लेगा तब बोलेगा बेटे। क्या समझ में आ रहा है? फिर रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ? एक्स के साथ। तो यहां पर टेन ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा। यही होगा बेटे। टेन 90 कितना होता है बेटे? 180। दैट इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आर माइनस वी बी। समझ में आ रही बात? सोचो बेटे, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग वो इंफिनिटी, इसका मतलब वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। और यहां से पता चला बेटे वी आर इज इक्वल टू वी बी। फिर से समझाओ, अब तो क्लियर है या नहीं है? क्लियर पक्का? तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो कि कितने डिग्री के एंगल पे जाएगा। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? नहीं बेटे, वी आर की वैल्यू दी होगी ना आपको, वीवी की वैल्यू भी दी होगी, तो कॉस थीटा नहीं निकाल सकते। कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? वी आर डिवाइडेड बाय वीवी। समझ में आ रहा है? अब रही बात बेटे, इस केस में टाइम मिनिमम नहीं होगा। टाइम जो है वो क्या हो गया? डी डिवाइडेड बाय यानी विड्थ। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वी साइन थीटा। याद ही नहीं रख रहे हो तुम लोग यार? मैंने बोला ना मोशन इन 2D, तो कोई तो बोल ही नहीं रहा, सिर्फ वही बोल रहा है। तुम दोनों सुन रहे हो सिर्फ, फिर बोल रहे हो। आप लोग भी तो बोलो। ये विड्थ है तो मैंने तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट, या फिर विड्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग विड्थ। देखो बेटे, विड्थ कितना है? डी। और वेलोसिटी अलोंग विड्थ कितना है? वी साइन थीटा। वी साइन थीटा नहीं, वी बी साइन थीटा। वी बी साइन थीटा, क्योंकि दो दो वेलोसिटी हुई है। क्लियर है? अब आप खुद ही सोचिए बेटे, क्या डी डिवाइडेड बाय वी बी है? V divided by VB है क्या? यहाँ पर D divided by VB है? नहीं, VB sin theta है। पहले वाले केस में क्या था? D divided by VB था। तो VB sin theta ये less than होगा VB से ना? Component हमेशा छोटा होगा ना इसी वेक्टर से। तो d डिवाइडेड बाय वी बी साइन थीटा अगर हम बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले था टाइम कितना? d डिवाइडेड बाय वी बी। अभी क्या है? d डिवाइडेड बाय वी बी साइन थीटा। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर क्या हो रहा है? छोटा हो गया है, तो टाइम की वैल्यू क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो ऑब्वियसली टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बट जो बोट है वो डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दैट इज पक्का?
में आ रहा है। इस केस में x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन हैपेंस अलोंग vr, कितना हो जाएगा vr की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालने के लिए vr माइनस vv cos cos थीटा इनटू t करते ना, हाँ करते हैं ना, और ये वैल्यू कितनी है बेटे? जीरो जीरो, तो जीरो इनटू इसका मतलब वो इधर उधर कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होगा, समझ में आ रही बात? वो क्या होगा, यहां से डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएगा। एनी डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? ये था बेटे कोर कॉन्सेप्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब अगर कोई नॉर्मल केस होता जनरली कि वीबी है, जैसे अभी मुझे पता है कि थीटा पर अगर चलेगा जो भी वैल्यूज दी हुई है तो वो सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगा, और इस बीबी को 90 पे देंगे तो वो सीधा सीधा क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब अगर मान लो कि थीटा की वैल्यू सपोज ये 60 डिग्री होना चाहिए था, मैं अब 75 पे दूं, मैं कितने पे दूं? 75 पे, तो वो बेचारा ना तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस होगा ना ही शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला केस होगा, ये कुछ और बीच में ही केस होगा, बट कॉन्सेप्ट फिर से क्या लगेगा? वही लगेगा कि इस बीबी का एक कंपोनेंट निकालेंगे, ये vv cos थीटा इधर, vr इधर, तो नेट वेलोसिटी यहां पर अब जीरो नहीं होगी, तो एक वेलोसिटी इधर भी होंगी, एक वेलोसिटी इधर भी होंगी, रिजल्टेंट निकालो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये है।